1974 में इंडिया ने अपने पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का सफल परीक्षण किया। इस वजह से प्रेशर में आई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जिम्मा सौंप दिया। इस पे इंडिया की नजर तो थी, पर इसराइल भी बहुत दिलचस्पी के साथ पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा था। इसराइल और इंडिया की खुफिया एजेंसी मोसाद और R&AW ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन शुरू किया ताकि न्यूक्लियर टेस्टिंग लैब की लोकेशन का पता चल सके। रावलपिंडी के एक सलून से मिले पाकिस्तानी साइंटिस्ट के बालों में रेडिएशन मिलने से ये कंफर्म हुआ कि कोहता में बने खान रिसर्च सेंटर में ये टेस्ट चल रहा था। इधर इसराइल ने लैब पे एयर स्ट्राइक का प्लान किया तो उधर रिसर्च सेंटर का एक साइंटिस्ट $10,000 के बदले ब्लूप्रिंट्स देने को तैयार था। प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के बिना इतनी बड़ी रकम सैंक्शन नहीं हो सकती थी। रॉ से अनबन होने के चलते उस वक्त के PM मोरारजी देसाई ने पहले तो पैसे देने से मना किया और फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक को फोन करके सब कुछ बता दिया। फिर पाकिस्तान की ISI इंडिया के एजेंट्स को ढूंढ ढूंढ के मारने लगी और मिस्टर देसाई को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया।